सिंह यादव बाजी पूर्व लोकसभा प्रभारी कैसरगंज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बहराइच की तरफ से न्यूज टाइम नेशन के समस्त परिवार के एवं जनपद बहराइच के सम्मानित नागरिकों को नए साल के शुभ अवसर पर मेरे और मेरी पार्टी की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जमीन पर पन्नियों में पैक इन तस्वीरों को देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि भाई जो बात है, सरकार अपनी आवाम का बहुत खास ख्याल रख रही है। मतलब आप खुद ही देखिए ना, कैसे लाइन से हर एक इंसान के नाम के दाल और चावल इन पैकेट्स को पैक करके रखे गए हैं, ताकि जब लोग अपने नाम से गल्ला लेने के लिए यहाँ पहुंचे तो बिना किसी देरी के साथ ही सभी में गल्ला वितरित किया जा सके। लेकिन ये मामला जितना साफ दिखाया जा रहा है वो है उसके बिल्कुल उल्टा। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही इन ग्रामीणों से सुनिए इस आंगनबाड़ी का हाल। दाल चावल गेहूं और दूध घी मिलता किसी को नहीं, ये एक बार मिला है वो भी अधूरे मिला नहीं है किसी को, किसी को नहीं मिला, हमारे मोहल्ले में किसी को नहीं मिला। दरिया उरिया आपको क्या महीने से नहीं मिला है? हमारा लड़का होगा जब से हम ना पावा है दरिया, पहले वो नहीं पाई रहे हैं। मिलता है कि नहीं आपको? क्या महीने से नहीं मिलता है? 8-9 महीने से दरिया की जगह पर क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है अभी। यानी क्या महीने से नहीं मिला है? 3 महीना दरिया ना कुछ सब कहूँ बट गया, यहाँ कुछ नहीं मिला। ये जो आंगनबाड़ी से जो गल्ला बढ़ता है आप लोगों को मिला? नहीं मिला है। कितने दिन से नहीं मिला? अरे 2-3 महीना हो गए तो नहीं मिलता, 1 महीना हो गया मिलने, 2 किलो चावल 2 किलो गेहूँ। और दाल वाल कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। आप लोगों को ये जो आंगनबाड़ी से जो गल्ला बढ़ता है कब से नहीं मिला है? 2 बाजी मिला बस वो दरिया, ढाई साल के बीच में 2 बार दरिया मिला, 2 बार मिला है बस। तो इस जब आप लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नहीं है, खत्म हो गया। सुना आपने, कोई कह रहा है कि हमें 2.5 सालों से कुछ नहीं मिला तो कोई महीनों की बात कर रहा है। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन सभी का दर्द एक ही है। नासिर खान जिला संवाददाता मुरादाबाद की तरफ से देश प्रदेश और न्यूज टाइम नेशन के दर्शकों एवं समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। राजेश कुमार चौहान जिला संवाददाता बहराइच की तरफ से देश प्रदेश और न्यूज टाइम नेशन के दर्शकों एवं समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दरअसल बहराइच के विकास खंड रिसिया के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा मलुआ भकुराहा में आंगनबाड़ी की तरफ से गल्ला और दरिया वितरित न करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया आंगनबाड़ी गल्ले का लाभ धारती और गर्भवती महिलाओं को 6 वर्ष देने के आदेश हैं, लेकिन यहां तो मामला ही कुछ और है। 4 महीना बॉयल देवे ना कही दी। इस समय जो गेहूं आ रहा है, चावल आ रहा है, दाल आ रहा है, ये सब मिला? कुछ ना मिला। अरे हमारा बच्चा 2 साल का हो गया है, 1 बार दी है और 2 साल 3 महीना का हो गया। जाते हैं ना तो हम लोग कहते हैं कि जाओ अधिकारी से कह दीजिए, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो हमारा 2 साल में सिर्फ एक बार मिला है। क्या मिला था? वही मिला था, दरिया मिला था बस। दरिया हमके 1 साल में 2 बार मिला है खाली। क्या मिला था? दरिया 1 बार मिला है, 1 बार गेहूं चावल मिला है बस। तो आप लोग जाते नहीं लेने के लिए? जाते हैं जी। तो 1 बार गए थे, उनके घर भी गए थे तो कह रहे नहीं ये खत्म हो गया है। जिससे भी कम्प्लेन करना है कर दो, मैं किसी भी अधिकारी से डरती नहीं। अब भाई बेचारे गाँव वाले क्या ही करें, उन्हें भी पता है कि अगर वो शिकायत कर भी देंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या ही किया जाएगा, बल्कि उल्टा उन्हें ही चक्कर पर चक्कर काटने पड़ सकते हैं। लेकिन भाई सोचने वाली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और बहराइच प्रशासन इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है। बहराइच से न्यूज टाइम नेशन के लिए राजेश चौहान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।